आज की सुबह की सुंदर मधुबेला में सभी का स्वागत है। आज का विषय है मसीही जीवन में पाप का प्रभाव और उसका निवारण। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो हम एक विश्वासी या एक मसीही बन जाते हैं। परंतु अभी भी हमारे अंदर पाप का स्वभाव मौजूद है। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव नहीं होगा, इस कारण हम फिर पाप नहीं करेंगे। ये एक अद्भुत बात है जिसकी आशा हम कर सकते हैं। परंतु तब तक हमारे पुराने और नए स्वभाव के बीच इस बात का संघर्ष जारी रहता है कि कौन हमारा नियंत्रण करेगा। जिस प्रकार से हम मसीह लोग अपनी भौतिक, आर्थिक और शारीरिक बातों के लिए परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी तो हमारे जीवन से बहुत बातों के लिए हमसे आशा रखते हैं। जैसे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप ना करें, परंतु जब हमसे पाप हो जाता है तो इससे परमेश्वर को आश्चर्य नहीं होता। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उसके लिए भी एक योजना बनाई है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम पाप करते रहें या पाप में पड़े रहें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके पहले वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालको, मैं ये बातें इसलिए नहीं लिखता कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। सो प्रभु यीशु मसीह जीवित है और स्वर्ग में है, और जब कोई विश्वासी पाप करता है तो वो परमेश्वर से उनके पक्ष में बातें करते हैं। वो हमारे बचाव के लिए परमेश्वर से कहते हैं कि मैंने उनके पाप की कीमत चुका दी है। परंतु यहाँ परमेश्वर को हमसे क्या आशा है? यदि हम एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर को हमसे बहुत सारी बातों में कुछ उम्मीद है, कुछ आशा है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं, बाइबल बताती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक वायदा करते हैं कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, और ये हम परमेश्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने इतने भयंकर पाप किए हैं, अब परमेश्वर हमें अपने परिवार से अलग कर देंगे। परंतु हमारे प्रभु ऐसे नहीं हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करता है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, बस आवश्यकता इस बात की है कि हम बाइबल के वचनों पर विश्वास करें कि हमारे प्रभु हमें क्षमा करेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का लहू हमें सब बातों में शुद्ध करता है। यदि हम पाप करें और किसी को पता ना चले तो हम उसे भूलने का प्रयास करने लगते हैं। ये हमारे जीवन के लिए एक परीक्षा हो सकती है, परंतु परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और उनसे हम अपने पाप छिपा नहीं सकते हैं। यदि हम अपने पापों को स्वीकार ना करें तो शीघ्र ही हमारा बाइबल पढ़ना और हमारा प्रार्थना करना बंद हो जाता है। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है। इस बात का अनुभव हम विश्वासी लोग कर सकते हैं। हम कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं। कई बार हम ऐसे कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। हम मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं और इस प्रकार से हम एक कमजोर मसीही बनते जाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि हमने पाप किया है। सो हम याद रखें, हमें परमेश्वर से अपने पापों को मान लेना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु लगातार हमें हमारे पापों से शुद्ध करते रहते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर की क्षमा का आनंद उठा सकते हैं। हो सकता है कि इस समय आप सोच रहे हो कि जब परमेश्वर मसीहों के पाप क्षमा कर देते हैं तो उसी समय उन्हें पाप रहित क्यों नहीं कर देते।
एक कारण ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मसीही जीवन जीने की जो सामर्थ हमें चाहिए, उस सामर्थ के लिए हम परमेश्वर पर ही आश्रित हों, या फिर हम परमेश्वर पर ही निर्भर हों। परंतु हम कई बार अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी सामर्थ पर भरोसा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप के विरुद्ध हमारे संघर्ष में यदि हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो हम उतनी प्रार्थना ही नहीं करेंगे, या फिर हम उतनी बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कई बार होता है। परमेश्वर के बगैर जीना या परमेश्वर के बिना जीना, यदि हम इस विषय में ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बिना जी सकते हैं, तो हम उसे बेहतर रूप से जान नहीं सकेंगे। सो हमें याद रखना है कि परमेश्वर के साथ एक बढ़ता हुआ संबंध भी हमारे अनंत जीवन का भाग है। सो हमें परमेश्वर के साथ किस प्रकार से बढ़ना है कि हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना है, अपने पापों की क्षमा के लिए भी और हर एक बात के लिए। एक और कारण है कि ये प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम में बढ़ने का एक अच्छा तरीका तो है ही, क्योंकि हम अभी भी पाप करते जाते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो हमें याद आता है कि प्रभु यीशु ने उस पाप के लिए कितने दुख उठाकर अपना प्राण दिया है। हम अधिक से अधिक उसकी प्रशंसा करना सीख जाते हैं। कब? जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं कि वो हमें क्षमा करने में सक्षम है। हम पाप से घृणा करना भी सीख जाते हैं, जिसके लिए प्रभु ने अपनी जान दी। और इस प्रकार से अक्सर हमारे पाप का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। यदि हमने किसी के विरुद्ध कोई पाप किया है, तो उसे परमेश्वर के सामने हम मान लें और उससे क्षमा मांग लें। हो सकता है इससे उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। इस प्रकार के कदम उठाकर हम एक सशक्त मसीही बन सकते हैं। रोमियो 6:13 इस प्रकार से कहता है, ना तो अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। याद रहे, हमारा दिमाग अर्थात हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर का एक अंग है, और सारे पाप वहीं से शुरू होते हैं। हम कई बार ऐसा अनुभव भी करते हैं। नीतिवचन 4:23 में हम पाते हैं, ऐसा लिखा भी है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। रोमियो 6:13 के अनुसार स्वयं को पूरी तरह हम परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि हमको नया जीवन दिया गया है और अपने संपूर्ण शरीर को, मन को, मस्तिष्क को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए एक उपकरण के रूप में, या कहें कि एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क के सदुपयोग का निर्णय हम प्रतिदिन लें। यदि हम प्रतिदिन ये निर्णय लेते हैं, तो इस निर्णय को पूरा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करें। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दें।